सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा हम एलजेब्रा बीजगणित, एलजेब्रा जिसको हम बीजगणित बोलते हैं, बीजगणित उससे संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं जो कि कॉम्पिटिशन के साथ साथ सिक्स से लगातार ट्वेल्थ तक इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं जिनका बार बार उपयोग होता रहता है सवाल को सिंपल बनाने के लिए, और ये फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हमारे पास कंपटीशन में जो कोई सवाल यदि पूछा जाता है और ये बेसिक फार्मूले हैं, ये फार्मूले यदि अपने को याद होंगे तो इसमें पास सवाल जो होगा न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम होगी वो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वाले फार्मूले हैं जहाँ पावर टू होती है, वो फार्मूला है ए प्लस बी की पावर टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी इस तरह से दो बार यदि कोई मल्टीप्लाई में आ जाता है या उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ नंबर भी आ सकता है, जैसे मान लो कि एक्स प्लस थ्री आ सकता है या एक्स प्लस फोर आ सकता है, ऐसे नंबर भी आ सकते हैं हमारे पास में। तो उन नंबरों का हम किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री यदि दो इस तरह से नंबर आ गए कोई सा सवाल आ गए तो उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के रूप में लिखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फर्क यहाँ पड़ जाए यहाँ प्लस था या माइनस आ गया, बस ये चीज ध्यान, प्लस वाले में प्लस लिखना माइनस वाले में माइनस लिखना। यदि ए माइनस बी और ए प्लस बी हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इस तरह से कोई आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए या एक्स प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दोनों को प्लस करना इंटू एक्स करना प्लस ए बी करना। अब यहाँ पर एक्स माइनस ए और x माइनस बी भी हो सकता है, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ तो जहाँ माइनस लिखा हुआ उसके माइनस लिखते हैं, यदि माइनस आता है तो प्लस आता तो प्लस लिखा, माइनस आता तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ए प्लस बी की पावर ए प्लस बी प्लस सी तीन नंबर आगे आ जाते हैं मान लो और उनका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तीनों का स्क्वायर लिखना पहले फिर टू करके एक बार ए बी लिखना फिर बी सी लिखना फिर सी ए लिखना टू सब के साथ में, फिर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो माइनस किसमें किसमें है माइनस बी है माइनस सी है, अगला इसी तरह से लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर। अब जिसके साथ माइनस है उसको माइनस में लिखेंगे बाकी प्लस वाले को प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ देखो माइनस ए माइनस सी माइनस ए और माइनस सी माइनस यहाँ b आएगा तो b के साथ माइनस है तो ए तो प्लस ही है, फिर बी और सी देखो बी और सी दोनों माइनस है तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा तो प्लस टू बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर सी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बी और सी दोनों माइनस है जब इनको दोनों माइनस लिखेंगे तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, ये चीज़ नोट कर लेना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बी माइनस बी और माइनस सी का गुणा करेंगे तो प्लस बी सी हो जाएगा। फार्मूला वही ऊपर जो लिखा वही फिर यहाँ माइनस आ जाए यहाँ माइनस आ जाए टू बी सी को ऐसे ही लिखना क्योंकि दोनों का माइनस लिखा हुआ था इसलिए माइनस का। तो इस तरह से स्क्वायर वाले हैं, इसी प्रकार से हम तीन हाथ वाले लिख सकते हैं ए प्लस बी की घात तीन इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी के थ्री पावर वाला, फिर माइनस वाला पूछे तो ए माइनस बी की पावर थ्री इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू यदि इस फॉर्म में लिखते हैं तीन ए क्यू माइनस बी क्यू ये होल पावर है क्या है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी फार्मूला होता है पावर थ्री वाला ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाए तो यहाँ माइनस ए का प्लस आ जाएगा और यहाँ पर ए बी की जगह माइनस ए बी आता है, इसी नोट कर लेंगे। फिर ए प्लस बी की पावर थ्री आ जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री ए बी बी सी प्लस सी ए, इस तरह से ये तीन पावर वाला ए बी सी यदि तीन संख्या आ जाती है नंबर आ जाते हैं तो उनको इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। यदि इस तरह से कोई फार्मूला आ रहा है एक्स क्यू प्लस बी
y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy, तो x प्लस y z लिखना, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखना, फिर माइनस xy माइनस yz माइनस zx लिखना। तो इस तरह से ये थ्री पावर वाले फार्मूले हैं, इसको याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। इस फार्मूले से हमारे पास मान लो कि दो संख्या का योग किया और दोनों का गुणनफल दिया, तो इसको आप इस फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, तो माइनस प्लस आ गया, बस ये ध्यान रखें। माइनस प्लस यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस लेगा माइनस, माइनस लेगा प्लस हो जाएगा। फिर पावर 4ab आती है, ये बहुत कम सवाल पूछते हैं, लेकिन ये पावर 4 आती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, तो इस आप इसको लिखता है। यदि पावर 2 आ जाती है, ये भी हमने देखा था, ये भी देख लिया है। यदि इस तरह से a की माइनस सी आता है, सी माइनस आता है केवल, तो जहाँ पर सी आया वहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ सी आ रहा है और यहाँ पर सी आ रहा है। बाकी फार्मूला वैसे ही जो भी हमने देखा था, यही वाला फार्मूला जो भी हमने लिखा था, ये वाला। यहाँ दोनों माइनस में थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, बाकी ये बी और सी माइनस में ही आएंगे, तो इसको ध्यान रखना। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री, ये भी हमने लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी एक्स वाई जेड के रूप में भी हमने देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पावर थ्री वाला फार्मूला ध्यान रखना। यदि ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर, यदि ऐसा कोई फार्मूला आ जाता है, ऐसा कोई नंबर आ जाता है, तो उसको हम सिंप्लीफाई इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाए और यहाँ प्लस आ, बाकी सेम रहेगा, ये चीज़ नोट कर लेना। ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, यदि इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है और उसको हम सिंपल लिखना चाहते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए, सिर्फ प्लस ए और ये माइनस ए आ गया, बस ये अंतर होता है फार्मूले में। लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यदि जीरो है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने जीरो रख दिया है, तो यहाँ पे यदि हमने जीरो रख दिया थ्री पावर वाला, यहाँ पे यदि हमने जीरो रख दिया ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये चीज नोट कर लेना। ए की पावर एट माइनस बी की पावर एट, यदि एट वाला फार्मूला आ जाता है, ए फोर प्लस बी फोर इक्वल टू ए इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले फोर लिखना फिर स्क्वायर लिखना फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखना, पहले फोर लिखना पावर फिर टू पावर लिखना फिर ए प्लस बी और आखिरी में ए माइनस बी होगा, इस तरह से सिंप्लीफाई इसको हम कर सकते हैं। अब इसमें यदि दोनों के बेस सेम होते हैं, मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, जैसे मान लो टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर फोर, यदि ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो क्या करना, पावर को प्लस कर देना, घात को प्लस कर देना, तो टू की पावर कितनी आ जाएगी, फोर प्लस थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, ऐसे निम्नलिखित भी पूछे जाते हैं, अलग अलग पावर वाले बेस सेम होता है। यदि मान लो कि ऊपर पावर है और अपान में है, जैसे मान लो कि टू की पावर फोर आ गया तो नीचे आ गया टू की पावर थ्री आ गया, जिसको हम कैसे लिखेंगे, टू की पावर फोर माइनस थ्री यानी टू की पावर वन यानी टू लिखेंगे। यदि अपान में आ जाए तो माइनस करना, इन टू में आ जाए तो प्लस करना है, और बटे में आ जाए तो उसको माइनस करना है, यानी अपान में आ जाए तो माइनस करना, गुणा में प्लस बटे में माइनस, ये चीज ध्यान रखना। और यदि पावर की पावर आ जाती है, जैसे मान लो आ गया टू की पावर थ्री की पावर टू आ गया, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री इंटू टू यानी टू की पावर सिक्स हो जाएगा, एम इंटू एम हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई कर देगा। इसी प्रकार से यदि मान लो कि दोनों की पावर एक ही आ जाए, जैसे मान लो कि टू इंटू थ्री है और इसकी पावर मान लो फोर है, तो कैसे लिखेंगे इसको, टू की पावर भी फोर लिखना है इंटू थ्री की पावर भी फोर लिखेंगे, इस तरह से अलग अलग उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। यदि दोनों की पावर है तो उसको हम अलग अलग पावर के रूप में लिख सकते हैं। यदि इस तरह से अपान में है a बाय b की पावर x है तो भी हम अलग अलग पावर लिखेंगे, जैसे मान लो अगर 2 अपान 3 की पावर 4 आ गया, इसको 2 की पावर 4 लिखना है और 3 की पावर भी 4 लिखेंगे, अलग अलग पावर को उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो कि a की पावर 1 अपान x है,
इसको रूट ए लिख सकते हैं, वन अपान एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स अंडर रूट ए भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को अपने को अच्छी तरह से याद करना है ताकि हमारे पास कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है या टेंथ नाइन्थ टेंथ में भी सारे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का उपयोग करके हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।